वापस वापस वो मैं यूं बोल रहा है अड़िया अड़िया बांधे कौन सा वाला है कॉमन के रेट से लग रहा है कॉमन के रेट जैसा कर रहे सही है वो कैमरामैन तो भारी है हां तो आपको कवर कर रहा है कैमरा सही हो रहा है उधर सुराख इंजन भारी नहीं 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 है हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जेके नूरानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं जुबेर खान और आज का स्नेक रेस्क्यू कॉल श्योपुर जिले से ये पटवारी कॉलोनी से आया है जहां पर इस जगह पर सांप देखा गया है। आइए दोस्तों सांप को पकड़ते हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। उसकी डंडे से निकाल लेने बाहर वापिस वापिस अड़िया अड़िया बांधे रो यार तू मत दे रहा है लाइव चल रहा है लाइव चल रहा है बस चलो कैमरा कैमरा मार्शल लेना ले लो। ये सांप भारत का सबसे जहरीला सांप है, दिन में कूड़े कचरे में रहता है और रात में ही घरों में घुसता है। छोटे बड़े तो इसका नाम बता दो नाम। हिंदी में इसे काला गंडाइचा कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉमन क्रैक। कॉमन क्रैक और कई जगह पर इसे ककर गड्ढा साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट किलर यानी कि सोते हुए लोगों को काट कर चुपचाप से काट के निकल जाता है। पानी का होगा पानी तीन बजे के और इधर ले उनका अच्छा वीडियो बन जाएगा। सांप जो है अब सब निकलते हैं और इतने ही बड़े निकलते हैं। अच्छा इससे ज्यादा बड़ा बहुत ही कम निकलेगा। इस सांप की पहचान है इसकी लाइन है, गर्दन से लेके पूंछ तक लाइन होती है और इसी का कॉपी एक और है वो तांबे कलर का होता है, वो बिना जहरीला होता है। अच्छा अच्छा। और ये काला होता है और सफेद लाइन होती है, बहुत खतरनाक और जहरीला सांप है। चले सकते श्योपुर जिले के पटवारी कॉलोनी में निकला है ये भारत का सबसे जहरीला सांप, कॉमन कैरेट यानी के काला गणाइचा कहते हैं और कई जगहों पर इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। कोटिया मम्मी देख लो कछुआ खावा ना, किसी को काट ले तो इसका रोटी खा के अब आज रही देव बनी कर रही है। चार घंटे बाद इसके जहर का असर होता है, चार घंटे बाद पेट में दर्द होगा, सीने में दर्द होगा और पेशेंट जिसको भी काटेगा या पलटी करेगा उसके बाद ही पता चलेगा। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद तब पता चलेगा कि आपने काटने का पता नहीं चलता, बिल्कुल बारीक दांत होते हैं जैसे मच्छर काटता है ना, इतने बारीक दांत होते हैं पता भी नहीं चलेगा काटने का, निशान भी नहीं आता। अरे अपन काटता है तो अपन ज्यादा इंसान को देख के बिल्कुल ये सब पड़ जाता है छाना, पता भी नहीं चलता कि सांप भी है कि कोई रस्सी पड़ी है। छाने तो पड़ेगा बहुत से हम देखे उसको है ना, बिल्कुल छाना बिल्कुल एकदम शांत गया भी शांत ही है, जैसे काला रबड़ पड़ा हो या कोई रस्सी पड़ी हो ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल कहाँ है मैं दिखा दूँ, नहीं चलो तो दांत काट देगा। हाँ दांत काटेगा, दांत काटेगा, दांत काटेगा, नहीं तो गर्दन में डाले थे वो दांत। इसके दांत मैं जब तीन कमंडाई बढ़ जाती पर कैसे वो तो फिर काम करते ही रहो। डिब्बा डिब्बा नहीं लाए, डिब्बा ले आओ, ये ऐसे डिब्बा है। तो चलिए दोस्तों अभी सांप को थैले में बंद कर लेते हैं और ले जाएंगे पर्यावरण के सुरक्षित माहौल में, जंगल में ले जाकर इसे छोड़ेंगे ताकि अपनी जिंदगी आसानी से जी सके। और जेके नूरानी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे बेजुबान जीवों की जान बचाते हैं और क्योंकि लोग इन्हें देखते हैं तो अक्सर मार देते हैं। और मिलेंगे इसी तरह नई वीडियो में लोगों की मदद करते हुए।